हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जीवन सिंह राजपूत आज आप सभी को जो है एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये पूछ रहे थे कि जो है फैमिली आईडी से क्या होने वाला है इससे लाभ क्या है क्यों बनवाना चाहिए तो आइए आज इसके लाभ के बारे में बात करते हैं कि फैमिली आई से लाभ क्या होने वाली है फैमिली आई क्यों बनवाना चाहिए फैमिली आई जो है किसको बनवाना चाहिए तो फैमिली आईडी जो है सबको बनवाना चाहिए और इससे होने वाले जो लाभ है जितने भी सरकारी योजनाएं होती हैं सरकारी योजनाओं में चाहे वो आपका वृद्धा पेंशन हो विधवा पेंशन हो सब्सिडी हो कोई भी चीज़ हो इस्कॉलरशिप के माध्यम से कुछ भी आपके खाते में जो भी पैसा आता है किसान सम्मान निधि हुआ श्रम कार्ड का पैसा हुआ या फिर जो है जो आप नरेगा में काम करते हैं उसका भी जो भी पैसा हुआ जो सब्सिडी आती है गैस की सब्सिडी तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं राशन कार्ड जो मिलता है जो राशन मिलता है आपको राशन कार्ड पर ये सारे के सारे जो सुविधाएं होते हैं ये सारे की सारी सुविधाएं जो है आपको एक परिवार एक पहचान फैमिली आईडी से ही मिलने वाली हैं इसके बारे में आइए थोड़ा सा डीपली हम लोग जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है फैमिली आई एक परिवार एक पहचान हिंदी में भी लिखा हुआ है और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और इसके अंदर क्या होता है लिखा हुआ है दिस पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड ए ट्वेल्व डिजिट यूनिक फैमिली आईडी इसका मतलब होता है कि जो फैमिली आईडी होती है वो बारह अंकों में जो है प्रोवाइड की जाएगी आपको जैसे आधार नंबर होता है बारह अंक का उसी प्रकार से बारह अंक आपके फैमिली आईडी की भी होगी और यहाँ लिखा हुआ है फैमिली आईडी स्कीम बिल प्रोवाइड ए कम्प्रहेंसन विजिबिलिटी ऑफ ऑल फैमिलीज़ इन द स्टेट फिज इन टर्न विल हेल्प टू द प्रोवाइडिंग स्कीम सर्विस टू दोज इंडिविजुअल्स हु आर एलिजिबल बट इंक्लूडेड फ्राम बेनीफिट्स फ्राम द बेनिफिट्स इसका मतलब होगा कि जो भी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी सरकारी योजनाएं हैं सभी लोग उसका लाभ नहीं ले पाते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका लाभ लेते हैं और उस लायक नहीं है उस लाभ के लेने के लायक नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस लाभ को लेने के हकदार हैं लेकिन वो उसको पाते नहीं हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो उसके हकदार रहेंगे उन्हीं को ये चीज़ें मिलेंगी जो उसके पात्र रहेंगे जैसे किसी को आवास मिला है लेकिन वो आवास के पात्र नहीं थे लेकिन किसी के रहने के लिए घर नहीं है किसी के पास लेकिन उनको आवास नहीं मिला हुआ है तो जो एक्चुअल में उसके पात्र रहेंगे उनके हकदार रहेंगे उन्हीं को मिलेगी नेक्स्ट इसके बाद में लिखा हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी इसका मतलब होता है जो सरकार की योजनाएं आपके खाते तक आपके खाते में जो पैसा आता है सरकार के पास से वो पैसा सीधे जो आपके पास आता है उसमें किसी तीसरे का हाथ नहीं होता सीधे सरकार के पास से आपके खाते में उसको डेबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं और इस ऐसी जो भी सुविधाएं होती हैं कि जो सरकारी पैसा आपके खाते में आता है वो पैसा जो है जब तक फैमिली आई आपके पास नहीं रहेगी तब तक वो पैसा नहीं आएगा अब इसमें होता क्या क्या है देखते हैं लिखा हुआ है कि प्रेजेंटली एक सौ तिरपन वन फिफ्टी थ्री डी बी टी स्कीम ट्वेंटी नाइन डिपार्टमेंट यानी कि एक सौ तिरपन ऐसी योजनाएँ हैं उनतीस डिपार्टमेंट की कि जिसमें फैमिली आई डी जो है वो कहीं ना कहीं आपको यूज यानी कि उपयोग में लाभकारी होगा अब यहाँ देखते हैं क्या है अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे स्कॉलरशिप्स स्कॉलरशिप्स का मतलब होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसके बारे में बेहतर तरीके से जान रहे होंगे जो पैसा एडमिशन करवाने में आप लगाते हैं सरकार उतना पैसा साल भर का जो फीस होता है उसके साथ में वो वापस कर देती है यानी कि इसको बोलते हैं स्कॉलरशिप और वो पैसा मिलने के बाद आप अगली कक्षा में जो है दोबारा एडमिशन करवा सकते हैं उसी पैसे से यानी कि आप एक बार पैसा लगा लिए सरकार उसी पैसे को दोबारा आपको देती रहती है और आपकी पढ़ाई जो है फ्री में हो जाती है सरकारी पैसे से उसको स्कॉलरशिप कहते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वंचित रह जाते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको मिल जाती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है लेकिन जिनको नहीं मिलती है वो ऐसा कहा जाता है कहीं ना कहीं पढ़ाई बीच में रुक जाती है पैसे की वजह से या बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेन मुद्दा यही होता है कि पढ़ने के लिए पैसा ज़रूरी है तो इस्कॉलरशिप यदि मिल गया तो पढ़ाई आसानी से हो पाएगी अभी मान लेते हैं पाँच हज़ार दस हज़ार कहीं नाम लिखवाया गया तब तो ठीक है अच्छी बात है लेकिन जब कभी एक लाख डेढ़ लाख रुपए जो है स्कॉलरशिप आना होता है और उस स्थिति में स्कॉलरशिप नहीं आती है तो उस बच्चे से पूछिए जो पढ़ रहा है कि स्कॉलरशिप क्या होता है एडमिशन के लिए पैसा कहाँ से लेके आएगा नेक्स्ट अगला देखते हैं पेंशन पेंशन में विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन जो भी पेंशन होता है वो सारे के सारे पेंशन फैमिली आईडी के थ्रू ही आएंगे और जब तक ये आईडी नहीं रहेगी तब तक वो भी रोक दिए जाएंगे और स्कॉलरशिप जो है बहुत ही हेल्पफुल है ये पढ़ाई में और जितने भी हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली योजनाएँ वही मैं बता रहा हूँ और ये मैं इसकी साइट से बता रहा हूँ फैमिली आई की जो साइट होती है उसकी साइट पे सीधी लिखा हुआ है मैं वहीं से बता रहा हूँ जो भी चीज़ें यहाँ पर इसकी आई में लिखा हुआ है जो भी चीज़ें जो भी सुविधाएँ इससे मिलने वाली हैं उसके बारे में तो पहला तो हो गया स्कॉलरशिप जो बच्चों की पढ़ाई के लिए हो गया दूसरा हो गया पेंशन पेंशन कोई भी हो विधवा पेंशन हो वृद्धा पेंशन हो विकलांग पेंशन हो कोई भी पेंशन हो जब तक फैमिली आईडी नहीं रहेगी तब तक यह नहीं मिलेगा तीसरा है बेनिफिट टू तो लेबर लेबर्स का मतलब होता है कि जो भी आप नरेगा में काम करते हैं जो भी श्रमिक होते हैं जो मजदूर होते हैं तो ये जो नरेगा का पैसा होता है ये सीधे जो है खाते में ही आता है मज़दूरों के अब खाते से निकालने के बाद क्या होता है क्या नहीं वो अलग की चीज़ें हैं लेकिन खाते में ही सरकार के पास से सीधे खाते में ही आती हैं तो ये जो पैसा होता है ये पैसा भी फैमिली आईडी के थ्रू ही आएगा जब तक फैमिली आईडी नहीं होगी आप नरेगा का पैसा नहीं निकाल सकते हैं या नरेगा में आपके पैसा आएगा निकाल नहीं सकते हैं पैसा आएगा ही नहीं होल्ड हो जाएगा तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट सरकार की डायरेक्ट सुविधाएं होती हैं जो आपके पास तक आती हैं जो फैमिली आईडी के थ्रू ही मिलेंगी अगला आता है किसान सम्मान निधि सब्सिडी टू फार्मर्स यानी कि किसान सम्मान निधि योजना जो होती है सब्सिडी की जो भी योजना होती है चाहे गैस की हो कोई सी भी हो सब्सिडी खाद की हो जैसी भी सब्सिडी होती है वो सब्सिडी और किसान सम्मान निधि योजना ये जो पैसे आते हैं ये पैसे सरकार के ही थ्रू आते हैं और जब तक फैमिली आईडी आपके पास नहीं होगी ये पैसा भी नहीं आने वाला है तो कहने का अर्थ है कि सरकार की जितनी सुविधाएं होती हैं मैं बार बार कह रहा हूं सरकार की जो भी सुविधाएं हैं फैमिली आईडी जब तक आपके पास नहीं रहेगी तब तक उस सुविधा से आप वंचित रह जाएंगे आपके पास राशन कार्ड है आधार कार्ड है ये ज्यादा कोई मैटर नहीं करता फैमिली आईडी बहुत मैटर करती है ये चीज आपके पास होना जरूरी है कन्या सुमंगला योजना कन्या सुमंगला योजना बता देता है कन्या सुमंगला ये बच्चियाँ जो छोटी होती हैं उनके लिए ये हितकारी होता है कि जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनको कुछ पैसे मिलते हैं तो ये पैसे सीधे सरकार से उनके पास आते हैं खाते में ही फूड ग्रेन्स कहीं ना कहीं जो आप राशन लेने जाते हैं वो राशन मिलता है और राशन कार्ड से ही फैमिली आईडी कार्ड जो होती है वो दोनों कहीं ना कहीं नंबर उसके मैच करते हैं और लगभग जो है राशन कार्ड का जो नंबर होता है जिसके पास राशन कार्ड हैं फैमिली आईडी उनकी वही होती है लेकिन जिनके पास नहीं है उनके पास अलग से ऑनलाइन बन जाएगा तो राशन भी आपको तभी मिलेगी जब फैमिली आईडी होगी कौशल विकास रोज़गार संगम प्रेरणा प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे आपके प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं प्रेरणा के ही थ्रू उनको जो है जो भी पहले मिलता था जूता मोज़ा बैग जो भी था प्रेरणा के ही थ्रू मिलता था और अब क्या हुआ है कि कुछ ही मतलब समय से कि खाते में सीधे पैसे आ जाते हैं इन सब चीज़ों के तो जब तक फैमिली आईडी नहीं होगी तब तक उनके खाते में पैसे भी नहीं आएंगे सीधा कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में स्कॉलरशिप हुआ या सरकार के द्वारा भेजी गई जो भी रकम होती है वो तभी उनके खाते में आएगी जब फैमिली आईडी होगा और फैमिली आईडी एक परिवार एक आईडी परिवार कल्याण योजना है और इन्हीं के थ्रू जो है पूरे डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा यूपी के और पूरे डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद देखा जाए कितनी फैमिली आईडी है कितने परिवार हैं किस किस लाभ से कौन कौन वंचित रह जाते हैं या कौन कौन जो लाभ में नहीं है फिर भी इसका लाभ ले रहे हैं तो सारे लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए और सरकार की ये बहुत ही बेहतर योजना है कि जो इसके वाकई हकदार हैं उन्हीं को मिले और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इस्कॉलरशिप पेंशन और जो भी योजनाएँ हैं एक योजना और बता देते हैं जिसमें ध्यान नहीं रहा वो आयुष्मान योजना है जब आयुष्मान कार्ड बनता है तो आयुष्मान कार्ड पे जो है फैमिली आईडी मांगी जाती है जो कि आपका राशन कार्ड अंतोदय वाला डाल करके फिर आपकी आयुष्मान कार्ड को बना दिया गया था लेकिन जो फैमिली आई होती है फैमिली आई बनने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड भी आसानी से बन जाएगा जो कि सरकार पाँच लाख तक उस पर जो है इलाज मुहैया कराती है इलाज की सुविधा कराती है और आयुष्मान कार्ड बनने के बाद आप उसमें किसी भी अस्पताल में जाकर के पाँच लाख तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं वो पैसा सरकार देगी सीधे उस अस्पताल को जहाँ पे आप इलाज करवा रहे हैं अपने सिद्धार्थ नगर में कम से कम 18 से 20 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर इसकी सुविधा है वो प्राइवेट भी हैं गवर्नमेंटेड भी हैं देहात गांव के लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं लेकिन शहर के लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि आयुष्मान कार्ड योजना से क्या लाभ होने वाला है राशन कार्ड से क्या लाभ होने वाला है इन सब चीज़ों को शहर के लोग जो है बहुत बखूबी एक एक चीज़ का पालन करते हैं लेकिन गाँव देहात के लोग जो होते हैं इनको किसी भी चीज़ से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है बस राशन कार्ड हुआ राशन लेके चले आए और किसान सम्मान निधि आ गई समय से तो निकाल लाए नहीं आई समय से तो बस सरकार दोषी है जो भी है लेकिन ये चीज़ नहीं देखना है कि सरकार जो कर रही है उसमें जो है अपना भी कुछ योगदान दे अभी उसने फैमिली आईडी कार्ड जो लॉन्च किया है कहीं ना कहीं कुछ सोच करके ही बगल में देखिए यहाँ गोल घेरा लिखा हुआ है इस बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही डी योजनाएं अभी इस योजना को हम खोल के दिखाएंगे आपको कि कौन कौन सी योजनाएं होती हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की हैं कृपया उसमें सहयोग करना चाहिए सरकार का जो भी चीज़ें होती हैं मुफ्त की चीज़ें होती हैं तो लोग उसकी अहमियत कम समझते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुरंत आपको बहुत ही अटपटा लगता है लेकिन बाद में जाकर कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है ऐसे इसी कंडीशन में आधार कार्ड शुरुआत में बन रहा था तो बहुत सारे लोग नहीं बनवा रहे थे लेकिन अब पूछिए आधार कार्ड जिसका नहीं बना हुआ है कि उनसे अगर कहा जाए दो हज़ार रुपये दे दीजिए आधार कार्ड जो हम आपका बना देंगे वो दो हज़ार देने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि अहमियत चीज़ों की जो है धीरे धीरे बढ़ती है और वो चीज़ समझ में अब आती है तो ऐसे फैमिली आई है और बहुत सारे यहाँ सीधे लिखा हुआ फैमिली आई सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली निर्माण साबित हो सकता है पर वर्तमान में नामांकन स्वैच्छिक है यानी कि इसमें नामांकन स्वैच्छिक है आप अपनी इच्छा से इसको बनवा सकते हैं फैमिली आईडी डी लाभार्थी पहचान के माध्यम से योजनाओं और सेवाओं के सक्रिय वितरण को सक्षम करेगा और नागरिकों की सरकारी प्रणालियों तक पहुँच में सुधार करेगा यानी कि जो नागरिक हैं उनसे कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएँ वंचित रह जाती थी तो उन सरकारी योजनाओं को उन्होंने क्या किया है कि नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इस चीज़ को लागू किया और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसकी लाभ को समझ करके आप लोग बनवाएं और यहाँ हमने सी बी टी डाटा बेस को ओपन किया है दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी सुविधाएँ हैं जिनसे आप जो है वंचित रह जाते हैं लेकिन आपको मिलती नहीं तो पहला तो कुछ नोटिफिकेशन है यहाँ पर नोटिस आया हुआ है वो देखते हैं क्या है सूचनाएँ हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड से फैमिली आईडी को बनाया जा सकता है लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन फैमिली आईडी को जो है रजिस्ट्रेशन करवा कर उसको बनवा सकते हैं और इसमें जो है कहीं ना कहीं आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और ऐसे बहुत सारे प्रमाण पत्र होंगे जिनको कहीं ना कहीं बनवाने में इस कार्ड से सुविधा मिलेगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि लोग ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे इससे लाभ क्या है और हम मेरे पास तो राशन कार्ड है और राशन कार्ड का काम ये भी करेगा तो इसे नहीं बनवाना चाहिए क्यों बनवाएं तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं कि इससे किसी कार्ड की तुलना मत करिएगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में सभी कार्डों पर ये कार्ड भारी होने वाला है आपके पास जो भी कार्ड हो बिना फैमिली आई के वो सब कार्ड बेकार रहेंगे परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन होते बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ बनाई गई हैं जिनके दिशा निर्देश में काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार कुछ सोच करके ही आपके लिए आपके हित में काम कर रही है और होने वाले बहुत सारे ऐसे लाभ हैं अभी सी बी टी डाटा बेस को ओपन करके हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं तो कुछ ऐसे गिने चुने जो हैं जिनको हम बता देते हैं सीधा इससे आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं राशन कार्ड जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र लोन की भी सुविधा इससे हो सकती है स्कॉलरशिप हुआ कोई भी पेंशन हुआ और कन्या सुमंगला योजना हुआ नरेगा का पैसा हुआ किसान सम्मान निधि का पैसा हुआ राशन कार्ड हुआ यानी कि राशन मिल सकता है आपको और सरकारी स्कूल में जो भी पैसे आपके आते हैं चाहे स्कॉलरशिप का पैसा हो चाहे वो बच्चों के हित में आता हो बच्चों के पास जो एक से कच्छा एक से कक्षा पाँच तक के बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ये सारे जो पैसे होते हैं विधवा वृद्धा पेंशन ये सारे के सारे चीज़ जो है आप इस योजना से इस कार्ड से सब लाभ उठा सकते हैं तो आइए सी वी टी डाटा बेस को ओपन करके हम लोग देखते हैं कि जो है इसमें कौन कौन से जो है एक सौ तिरपन स्कीम के तहत उनतीस डिपार्टमेंट है तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे लिखा हुआ डी बी टी ऑन बोर्ड स्कीम तो यहाँ सबसे पहला लिखा हुआ है डी बी टी डिसबिलिटी यानी कि विकलांगता पेंशन और विकलांगता पेंशन जो है अब जिसके यहाँ मिलता होगा पूरे के पूरे ऐसा अच्छा नहीं कह सकते हैं कि हर घर में लेकिन ऐसे दो चार गांव में एक आध लोग मिलते होंगे जो विकलांग होंगे तो उनकी जो पेंशन है वो कहीं ना कहीं इस कार्ड से आएगी और ये कार्ड नहीं रहेगा तो नहीं आएगी उसके बाद देखते हैं शादी विवाह पुरस्कार योजना अनुसूचित जाति शादी अनुदान और नीचे आने के इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन वृद्धा पेंशन जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन तो ये पेंशन भी कहीं ना कहीं इसी स्कीम के अंतर्गत ही आ रहा है और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ये जितने भी स्कॉलरशिप हैं दसमोत्तर स्कॉलरशिप पूर्व दशम स्कॉलरशिप ये जितने भी स्कॉलरशिप के ऐसे डाटा हैं जो भी बच्चों के खाते में पैसा आता है वो कहीं ना कहीं सब डीबीटी से ही आता है यानी कि सरकार के पास से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होकर सीधे खाते में और ये जो पैसा होता है कहीं किसी बिचौलिए के हाथ में किसी दलाल के हाथ में नहीं जाता है सीधे सरकार से आपके खाते में तो फैमिली आईडी से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी और सभी जातियों में स्कॉलरशिप आता है वो कोई भी जाति ऐसे नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं आता है तो यहाँ पर लिखा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओ यानी कि अदर बैकवर्ड जो जातियाँ होती हैं कास्ट अदर बैकवर्ड कास्ट तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हर जातियों में होती हैं और इस्कालरशिप सबको मिलता है फिर देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी एजुकेशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है यानी कि जो आने जाने का खर्चा होता है ये शहरों में होता है वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट इसमें विडो पेंशन, विधवा पेंशन जिसे बोलते हैं तो ये पेंशन कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आता है और महिला शक्ति केंद्र स्कीम, यानी कि ये महिला शक्ति केंद्र स्कीम जिसको बोलते हैं सी एस एस के अंतर्गत आता है ये भी और इस कार्ड से ही कहीं ना कहीं वो लाभ इसका ले पाएंगे अब इसके बाद ये इस सारे के सारे स्कॉलरशिप वाले हैं शादी अनुदान योजना है यूनिफार्म स्किल यानी कि यूनिफार्म और साइकिल ये जो स्कूलों से प्रोवाइड की जाती है मिलती हैं आप लोगों को ये भी इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ऐसे बहुत सारे जो है योजनाएँ इसके अंतर्गत आने वाली हैं देखते हैं फिर यहाँ पर ऊपर आ गए ए एन एफ ए यानी कि राशन कार्ड जो राशन आप जाते हैं लेकर के आते हैं बिना फैमिली आईडी के राशन कार्ड नहीं बनने वाले बिना फैमिली आईडी के राशन नहीं मिलने वाला है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है फूड एंड सिविल सप्लाईज़ में पहले नंबर पर उसके बाद यहाँ देखेंगे मनरेगा यानी कि नरेगा है और मुख्यमंत्री की जो भी आवास योजना होती है शौचालय की योजना होती है जो भी योजनाएँ होती हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इस कार्ड के द्वारा ही आपको मिलेंगे आप इस कार्ड के द्वारा ही उसका लाभ उठा सकते हैं उसके बाद यहाँ नीचे धीरे धीरे हम लोग और आते हैं और नीचे देखते हैं कौन कौन सी स्कीम है स्कीम तो बहुत सारी हैं एक तो कहीं ना कहीं स्कीम बहुत सारी हैं लेकिन यह है कि सारी स्कीमें जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है लेकिन यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो भी स्कीमें हैं उस स्कीम का लाभ उठाया जाए बहुत सारी ऐसी स्कीमें होती हैं जो लोग जानते ही नहीं आवासीय विद्यालय योजना कन्या विकास स्वच्छता योजना कौशल विकास योजना महात्मा गांधी पेंशन योजना और मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना शादी अनुदान योजना ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं देखिए मिड डे मील स्कीम लिखा हुआ है सीधा निःशुल्क शिक्षा योजना तो जो भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं ये योजनाएं सीधा सरकार से ही जुड़े हुए हैं और सरकार एक स्कीम लॉन्च किया है जो फैमिली आई यानी कि परिवार कल्याण योजना के नाम से है तो इस कार्ड को बनवा करके हम सरकार की सारी सुविधाओं को उठा सकते हैं एक बार फिर से जो है हमें कह रहे हैं सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं बिना इस कार्ड के आप कोई भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं और इन्हीं सब बातों के साथ जो है शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फैमिली आईडी एक परिवार एक कार्ड की योजना कौन सी योजना है और इतना सारा बताने के बाद भी यदि आप इस कार्ड को समझ रहे हैं कि नहीं बनवाना चाहिए तो अलग की चीज़ है लेकिन जो समझदार लोग होंगे इस कार्ड को देखने के बाद सुनने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से उनके समझ में आ गया होगा कि इस कार्ड को जो है बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए ये कार्ड कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिना इस कार्ड के आपका जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बनने वाला है बिना इस कार्ड की स्कॉलरशिप नहीं आएगा किसान सम्मान निधि नहीं आएगा बहुत सारी सरकारी योजनाओं में इस कार्ड का जो है लाभ मिलने वाला है तो कृपया करके इसको जरूर बनवाएं और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसी जानकारी पाने के लिए जो है इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जिससे कि और सारे लोगों को फैमिली आई जो होती है उसका लाभ पता चल सके और वो बनवा सकें और जिससे कि सरकार की योजनाओं का लाभ वो भी उठा सकें धन्यवाद